उससे पहले गुरु पूर्णिमा की ही बात कर लेते हैं। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार, प्रयागराज समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गंगा घाट पर डुबकी लगाई है। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने दीपदान और अन्नदान किया। आज सुबह से लोग गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने की परंपरा है, जिसके लिए हर साल लोग संगम नगरी प्रयागराज और धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह से किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह तड़के 4 बजे से ही लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आस्था की डुबकी आज लोग लगा रहे हैं और भारी भीड़ इस वक्त घाटों पर दिखाई दे रही है, खासतौर पर प्रयागराज संगम की तट पर और हरिद्वार में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालु आज सुबह 4 बजे से पहुंच रहे हैं। सब पहले स्नान कर लेना चाहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दान का भी विशेष महत्व होता है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हरिद्वार और प्रयागराज की, जहाँ पर आज सुबह तड़के से ही गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। संगम के तट पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना, उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद दान पुण्य करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिरों में आज विशेष पूजा की जाती है, अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया जाता है और आज गुरु पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों श्रद्धालु इस वक्त घाटों पर दिखाई दे रहे हैं। और लखनऊ के अकबर नगर में जिस जमीन का कभी भू माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, उसे कब्जा मुक्त कराकर सीएम योगी ने वहां वृक्षारोपण किया। सीएम योगी ने कहा कि अकबर नगर अब सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। सौमित्र वन के साथ ही शक्ति वन भी बनेगा। भी जहां था अवैध कब्जा, जहां चलती थी भू माफियाओं की मर्जी, पहले उसको कराया कब्जा मुक्त, बुलडोजर एक्शन के बाद अब सीएम योगी ने किया वृक्षारोपण। ये लखनऊ का अकबर नगर इलाका है। माफिया ने अवैध कब्जा कर कॉलोनियां बसा रखी थी। यहाँ बहने वाली नदी नाले में तब्दील हो गई थी। अब उसी अकबर नगर को सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराकर वहाँ वृक्षारोपण किया है। यानी कि पहले बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया और अब उसी जगह पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने अकबर नगर को सौमित्र वन का नाम दिया। सौमित्र वन के साथ ही शक्ति वन की घोषणा की। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भू माफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पोल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वृक्षारोपण के दौरान सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान भी किया और साफ कर दिया कि नदी पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया था, वहाँ अब नाइट सफारी बनाएंगे। सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी, हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, सीएम योगी ने प्रयागराज में भी अवैध कब्जे वाली जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर वहां गरीबों को आवास देने का काम किया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर रहा है।
अभी हाल ही में प्रशासन ने अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान के अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई कर करीब 20 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया था। अलीना सिटी के नाम से मशहूर अवैध कब्जे वाली ये जमीन माफिया अतीक अहमद की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। वहीं प्रयागराज में ही प्राधिकरण ने और 28 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया था। इन जमीनों पर बिना किसी आदेश के ही अवैध प्लॉटिंग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बाईस जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन कांवड़ रूट पर दुकानदार की पहचान के आदेश लेकर माहौल इस वक्त गर्माया हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखवाने को भोजन जिहाद की संज्ञा दे दी है। ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवड़ियों के मार्ग, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनकी किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है, और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भाव भी नहीं है। और कांवर रूट पर दुकान पर पहचान के बाद वाराणसी से विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक नया विवाद कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग कर डाली। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचा करते हैं। कहना चाहूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है, वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है, वह दूध मालाएं बेचते हैं, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में छुट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था पर चेट पहुँचती है। ऐसे स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। गोरखपुर में राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल की अगुवाई में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही थी। इस बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और महासचिव के गुट ने जमकर हंगामा कर दिया। कांग्रेस का एक गुट जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहा है। हंगामा के दौरान हाथापाई की नौबत भी आ गई। और अमरोहा में बड़ा रेल हादसा टला है। लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 2 डिब्बों में केमिकल भरा हुआ था। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डैमेज हो गया। दिल्ली और मुरादाबाद की तरफ से जाने वाली ट्रेन को रोका गया है। घटना की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं ड्राइवर का कहना है कि घटना के वक्त इंजन में तकनीकी खराबी आने से डिब्बे पलटे हैं। अमराहा में रेलवे स्टेशन पर रेलवे पर बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि जो पायलट उसका लोको पायलट था, उसने कहा कि शायद पटरी में कोई दिक्कत थी या इंजन में कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि दिल्ली लखनऊ की दोनों लाइनें
बंद है। कई ट्रेनों के रूटों को डाइवर्ट किया गया है। घटना के वक्त इंजन में तकनीकी खराबी आई थी। इसी बात को लेकर शुरुआती जानकारी अभी निकल रही है। हालांकि जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पर लेकर चला और अमरोहा 1958 पर पास हुआ। रन थ्रू गाड़ी थी और जय एडवांस से पास हुआ। हमारी गाड़ी में प्रेशर ड्रॉप हुआ, लोको ब्रेक लगा, मैंने गाड़ी तुरंत रोका और पीछे देखे गाड़ियाँ डिग्री हो गई। आपको जब पास हुए हैं, निकले हैं, तो आपको ट्रैक पर कोई समस्या लगी या कोई समस्या नहीं? गाड़ी थ्रू आ रही थी, बिल्कुल साफ था। कोई घटना, कोई आवाज, कोई आवाज नहीं, कोई गुजर नहीं था। ठीक। और प्रतापगढ़ में बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान गायब रहे 73 टीचर्स की 15 दिन की सैलरी रोक दी गई है। बीएसए ने अधिकारियों से स्कूलों का निरीक्षण कराया था। निरीक्षण के दौरान 73 टीचर स्कूल में मौजूद नहीं थे। संघ शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट, बीएसए ने कार्रवाई की है। वेतन रोकने के साथ ही टीचर्स से अब जवाब भी मांगा गया। संभल में किराए पर कार लगवाने का झांसा देकर कार हड़पने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये लोग महंगे किराए पर कार लगवाने का झांसा देकर गायब हो जाते थे। कार को कहीं और गिरवी रख देते और मिली रकम उड़ा देते थे। पुलिस ने गिरवी रखी गई 7 कार बरामद की है। सभी कार की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। थाना कोतवाली चंदौसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि धोखाधड़ी करके वाहन स्वामियों से उनके वाहन कब्जे में ले लेते थे। ये अभियुक्तगण गाड़ियों को वाहन स्वामियों से लेकर विभिन्न स्थानों पर किराए पर लगाकर उन्हें मासिक किराया देने का झांसा देते हुए उन्हें कहीं गिरवी रख देते थे एवं पैसे खुद रख लिया करते थे एवं वाहन स्वामियों को गुमराह किया करते थे। इन अभियुक्तों के कब्जे से 1 बोलेरो, 3 अर्टिका, 2 डिजायर एवं 1 सियाज बरामद की गई है। और झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक शातिर को पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल पुलिस भांडेर रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान शातिर पुलिस को देखकर चोर भागने लगे। पुलिस ने शातिरों का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक को गोली भी लगी है। शाहजहांपुर पुलिस ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर थाना परौर पुलिस ने भी एक्शन लिया। जौनपुर में दबंगों ने पीआरबी पुलिस को बंधक बना लिया। दबंगों पर पुलिस के साथ मारपीट का आरोप लगा, साथ ही पिस्टल छीनने की कोशिश भी की गई। इस सूचना पर पीआरबी पुलिस और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची। दरअसल फसल विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश जारी है। शाहगंज कोतवाली थाने के अरगुआपुर कला गांव का यह मामला है। और खबर महाराजगंज से लेते हैं, जहां पर मोस्ट वांटेड बदमाश सुधीर को पुलिस ने सोनौली बॉर्डर से अरेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस की EWS थाने में केरल के रहने वाले सुधीर के खिलाफ धोखाधड़ी मकोका कानून के तहत केस दर्ज है। 2 साल से सुधीर फरार था। सुधीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सुधीर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। और खबर गोंडा से लेते हैं, जहां पर सड़क के किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और शव से कुछ ही दूरी पर बाइक भी मिली। मामला मनकापुर टिकरी मार्ग का है। पुलिस टीम शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। आज दिनांक 20 जुलाई 2024 को समय करीब सुबह 8:30 बजे थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी
टिकड़ी मोर्ग से आगे मनकापुर रोड पर एक बाइक पड़ी हुई है और उससे ही कुछ दूरी पर एक खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है जिसके चेहरे पर चोट के निशान है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारी द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। शव के शिनाख्त के प्रयास जारी है। शव के पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ के चरस के साथ 2 तस्कर को अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ ने आगरा से दोनों को अरेस्ट किया है। 2 भारतीय और 1 नेपाली सिम कार्ड मिला है। नेपाल से चरस लाकर बिहार में ये सप्लाई किया करते थे। आगरा में 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये चरस को बेचा करते थे। तो एसटीएफ ने आगरा से दोनों को अरेस्ट किया है। 2 भारतीय और 1 नेपाली सिम कार्ड इन दोनों के पास से मिले हैं। नेपाल से चरस लाकर बिहार सप्लाई किया करते थे। यहां तक कि आगरा में भी ये चरस की सप्लाई करते थे।